अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग जो है ना इनवॉलर प्लस इमोजी नेम अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, जो जो स्टेप मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ आप लोगों ने फॉलो करना है। सबसे पहले आप लोगों ने mbasic.facebook.com ये लिखकर सर्च करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी आईडी को लॉगिन करना है। सबसे पहले आपने अपनी आईडी को अपडेट पे डालना है। अपडेट पे आप लोगों ने कैसे डालना है उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वो वीडियो मेरी वॉच कर सकते हैं, आप लोग देख लें। इसको जो है ना मैंने ऑलरेडी अपडेट पर डाला हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने डोंट अपडेट पर करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने चूज़ फाइल में आप लोगों ने वो स्क्रीनशॉट लेना है जब आप लोग जो है ना अपडेट पे डालते टाइम आप लोगों ने लिया था, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अपना स्क्रीनशॉट दे दिया। स्क्रीनशॉट देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे वो सैंपल देने हैं जो कि आप लोगों ने एक्सेप्ट करवाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनवैलिड नेम बनाना है, एक सामने जो है ना डेंजर इमोजी करना है, तो यहाँ पर मैंने वो दे दिया। उसके बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ये सब कुछ जो है ना मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप लोगों ने वहाँ से कॉपी कर लेनी है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। सही है, यहाँ से आप लोग ये ऊपर खान वाला नेम देख लें, इस तरह का नेम अगर आप लोगों ने एक्सेप्ट करवाना है तो इस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वो देख सकते हैं। आप लोगों ने ये इनविजिबल स्पेस जो है ना ये ब्रैकेट के दरमियान से कॉपी करनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर दे देनी है, ठीक है। उसके बाद इनविजिबल स्पेस देने के बाद आप लोगों ने जो है ना आगे निकनेम जो रखा हुआ था स्क्रीनशॉट पे आप लोगों ने वो देना है। निकनेम जो था ना मेरा मोहम्मद सिकंदर था वो स्क्रीनशॉट पे। उसके बाद आप लोगों ने और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों को सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोगों ने जस्ट जो है ना सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये जो है ना जस्ट नो पे सबमिट हो जाएगी। आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है ना ठीक होना चाहिए, आईपी एड्रेस आपका ठीक होना चाहिए, जो है ना ये जस्ट नो पे एक्सेप्ट हो जाता है, कभी कभार इशू कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें थैंक यू लिख कर आ चुका है, हमारी अपील जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा देर जो है ना वेट करेंगे, जब तक जो है ना हमारा नेम एक्सेप्ट नहीं होगा तो हमने कुछ देर वेट करना है, सही है। जैसे ही नेम एक्सेप्ट होगा तो आप लोगों को जो है ना मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करके दिखाऊँगा, सही है। जैसे ही मेरा नेम एक्सेप्ट होता है कितने अपील लगते हैं सब कुछ बताऊंगा। सो मेरा नेम जो है ना वो एक्सेप्ट हो चुका है, आप लोगों को ईमेल सब कुछ जो है ना मैं चेकआउट करवा दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं अपनी आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ, सही है। आप लोग ऊपर देख लें जो हमने सैम्पल डाले थे सेम वही एक्सेप्ट हुए हैं। तो यहाँ पर मैं अपने पासवर्ड डाल के जो है ना आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ, सही है। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड देने के बाद आईडी लॉगिन कर ली, ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सैंपल सब कुछ जो है ना एक्सेप्ट हो चुका है। डोंट अपडेट वाला हमने कर लिया था, अब आप लोगों ने अपडेट पे क्लिक करना है। गो टू न्यूज़ फीड पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है ना मैं गो टू न्यूज़ फीड पे क्लिक कर देता हूँ। आप इस पे क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ हमारी आई डी जो है ना किस तरह से शो होगी, ठीक है। तो यहाँ से सब कुछ जो है ना एक्सेप्ट हो चुका है, आप लोगों को ई मेल सब कुछ जो है ना मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ चेकआउट करवा दूंगा। आप लोग देख लें मोहम्मद सिकंदर जो मैंने निकनेम डाला हुआ था, और यहाँ पे ये सैंपल एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब आप लोगों को जो है ना मैं ये सेटिंग में जाकर जो है ना ई मेल वगैरह सब कुछ जो है ना चेकआउट करवा देता हूँ। उससे पहले आप लोग देख लें मैंने टोटल जो है ना 3 अपील की थी, ठीक है। 2 मेरी रिजेक्ट हुई हैं और 1 जो है ना लास्ट जो है ना 1 एक्सेप्ट हो गई है, सही है। आप लोगों ने भी बार बार अपील करनी है, आप लोगों की जो है ना एक एक्सेप्ट लाजमी हो जाएगी। अब आप लोगों को यहाँ से मैं ईमेल चेकआउट करवा देता हूँ, आप लोग देख लें यहाँ पे ये ईमेल, सही है। आप लोगों को सेम वही ईमेल है जो हमने वीडियो के स्टार्ट में किया था, आप लोग ये ईमेल देख लें, ये ऑलरेडी पहले से ऐड है, आप लोग नीचे वाला देख लें, ठीक है। ये ईमेल ऐड था, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, सही है। नेम सब कुछ एक्सेप्ट हो चुका है। अब आप लोगों को मैं ऑफिशियल पे चेकआउट करवा देता हूँ कि जो है ना नेम के साथ डेंजर इमोजी शो होगा, सही है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेंजर इमोजी शो हो रहा है और हमारी इनवॉलेट प्लस इमोजी नेम अकाउंट जो है ना रेडी हो चुकी है, सही है। आप लोग भी इसी तरह बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।